ग्लास कैसे हिल रहे हैं, इसमें पानी कैसे हिल रहा है। हालांकि पीछे वाली सीट पे इसमें ग्लास का पानी एकदम अभी स्थिर हल्का फुल्का हिल रहा है, लेकिन हल्का फुल्का ग्लास कैसे डोल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरे साथ है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। दोनों ही क्लासिक 350 आप देख सकते हैं कि ये सामने नई वाली क्लासिक 350 रहने वाली है, जिसमें कि पूरा ही सेटअप चेंज है, नया वाला इंजन इसमें आता है और वो जो हमारे साथ है पुरानी वाली है। हालांकि है वो भी BS6 ही, लेकिन उसमें पुराना वाला इंजन है और इसमें नया वाला इंजन है। तो कंपनी का कहना ये है कि नए वाले इंजन के साथ काफ़ी वाइब्रेशंस कम मिलते हैं आपको, इसमें काफ़ी वाइब्रेशन रिड्यूस हो गए हैं। और ये पुराने वाले इंजन में जो कि पहले बहुत लोगों का कहना था कि ये काफ़ी वाइब्रेट करती है, तो ये आप देख सकते हैं पुराना वाला इंजन है और यहाँ पर आपको नया वाला इंजन आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे साथ है और इसका मैं आज वाइब्रेशन टेस्ट करके लाइव आपको दिखाऊँगा कि कैसा इसमें, क्या कंपनी का कहना सही है कि इसमें वाइब्रेशन कम हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए पहले पुरानी वाली को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना वाइब्रेशन है। और ये ग्लास मैंने 3 ठो रखे हुए हैं, तो कौन सा ग्लास पहले गिरता है दोनों, हालांकि दोनों सीट पर मैं रखा हुआ हूँ और एक टैंक पर रखा हुआ हूँ। तो चलिए इसे करते हैं स्टार्ट। एक बार करीब से मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी कोई भी मैंने एक्सलेट नहीं किया है, लेकिन ग्लास आप देख सकते हैं कि दोनों ग्लास कैसे हिल रहे हैं, इसमें पानी कैसे हिल रहा है। हालांकि पीछे वाली सीट पे पानी नीचे भी टपक रहा है, ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे वाले, हालांकि बीच वाले में और यहाँ पर तो पानी अभी नहीं गिर रहा है। और धीरे धीरे इसके पहले मैं इसे भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ये है नए वाले इंजन के साथ, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ग्लास का पानी एकदम अभी स्थिर हल्का फुल्का हिल रहा है, अभी तो काफ़ी कम इसमें वाइब्रेशन अभी है। हालांकि ये टैंक वाला गिलास थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे मैं सीधा कर देता हूं। तो अब इसमें देख सकते हैं, अब इसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि इसका ग्लास कैसे हिल रहा है और इसका ग्लास कैसे अभी स्थिर है। ये हमारे साथ है नई वाली और यहाँ पर है पुरानी वाली। अब थोड़ा थोड़ा सा इंजन मैं इसका रेव करता हूँ और देखता हूँ कैसे ग्लास गिरता है। कि हल्का फुल्का ग्लास कैसे डोल, और पीछे वाले सीट का ग्लास पहले गिर गया। आरपीएम मीटर तो इसमें नहीं आता है, लगभग 2000 तक आरपीएम जा रहा है, तो इसका दोनों ग्लास गिर गए। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे और पीछे वाले पिलियन के पास तो ज़्यादा वाइब्रेशन है, लेकिन जो राइडर है उसके पास थोड़ा सा कम वाइब्रेशन है, जो कि अभी भी ग्लास ये बचा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग इसमें 2000 तक आरपीएम मैं लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे ये ग्लास नहीं गिर रहा है। तो लगभग 4000 तक आरपीएम मैं लेके गया था, इसमें कोई आरपीएम मीटर नहीं है लेकिन एक अंदाजे से मैं लेके गया था। तो ये बीच वाला जो ग्लास है ये तो नहीं गिर रहा है, यहाँ का आपने देखा कि ये गिर गया। चलिए अब बारी है नई वाली की। तो गाइस अब ये नई वाली की बारी, इसमें देखते हैं कि कितना कम वाइब्रेशन है। जैसा कि मैंने आइडल पे आपको दिखा दिया, अब इसको भी मैं रेव करूंगा एक बार और देखेंगे कि इसमें कैसा है। हालांकि टैंक इसका थोड़ा सा ये कर्वी है, इसमें ग्लास ये अच्छे से बैठ नहीं रहा है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये ग्लास पहले गिर जाएगा। अब ये तो आइडल पे है, कोई भी वाइब्रेशन ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। तो इसे अब मैं धीरे धीरे रेव करता हूँ और आरपीएम मीटर इसमें भी तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा, इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 2000 तक आरपीएम मैं लेके गया हूँ, लेकिन ग्लास अभी भी स्थिर है। और इसका आरपीएम मैं इंक्रीज करता हूँ, तो गाइस इसमें देख सकते हैं लगभग मैं इसका 50% आरपीएम लेके गया था और वहाँ पे ग्लास स्थिर नहीं है। हालांकि ये ग्लास इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ये भी गिरा नहीं, ऐसा कि आप देख सकते हैं। और अगर इस ग्लास को गिराना है तो इसमें अभी और भी एक्सलेट करने का मेरे पास ऑप्शन था, अभी मैं उसे करके दिखा दूंगा, लेकिन उसके मुताबिक इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम वाइब्रेशन है, इसके ग्लास अभी कोई भी हिल नहीं रहे हैं।
हालांकि उसका भी सीट पे मैं रखा था, इस वाली सीट पे। एक बार इसे आप फुल्ली गिरा के दिखाते हैं कि कितने आरपीएम में ये गिर पाता है। जैसा कि देख रहे हैं आप, धीरे धीरे मैं इसे रेव कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन ज्यादा फील नहीं हो रहा है मुझे। तो गाइस जैसा आपने देखा कि नए वाले में बिल्कुल वाइब्रेशन, आप ग्लास इसमें मूव ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं इसे टेढ़ा भी, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा भी है टैंक पे, अच्छे से बैठ नहीं पा रहा, लेकिन ये ग्लास भी अपने फुल आरपीएम तक, मैंने पूरा फुल एक्सलेट दे दिया था इसका, तो वहां तक इसका फुल आरपीएम तक ये ग्लास नहीं गिरा है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आने वाले के मुताबिक नए वाले में काफी कम क्या, पूरा इसमें वाइब्रेशन है नहीं। जब पानी का ग्लास नहीं गिर रहा है तो वाइब्रेशन काफी कम ही होगा इसमें। कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसे चला के भी और पानी का ग्लास लेके आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा। अगर आपको चाहिए वाली वीडियो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर आपको दिखा दूंगा। लेकिन इसका तो फुल मैं आरपीएम ले गया हूँ, वहां तक ये पानी नहीं गिरा है। उसमें सिर्फ बीच वाला ग्लास मेरे को बचा था, दोनों टैंक और पीछे वाले सीट का गिर गया था, लेकिन इसमें मैं गिराने की भी कोशिश कर रहा हूं तो गिर नहीं रहा है। अच्छा, एक बार और आपको ट्राई करके दिखा देता हूं, शायद इस बार कोई गिर पाए। हालांकि ये ग्लास अभी भी टेढ़ा है, लेकिन गाइस पूरा इसमें फुल आरपीएम देने के बाद भी ग्लास कोई भी गिर नहीं रहे हैं। इससे अब मुझे पूरा पता चल रहा है कि इसमें काफी कम वाइब्रेशन है उसके मुताबिक, जैसा कि उसमें तो 2000 आरपीएम तक दोनों ग्लास नहीं टिके, और इसमें मैं गिराने की कोशिश भी कर रहा हूं तो नहीं गिर पा रहे हैं भाई। तो ये है नई वाली क्लासिक 350। आप देख सकते हैं कि इंजन में चेंजेस है, इसका थोड़ा सा कॉम्पैक्ट इंजन रखा गया है, और पुराने वाले इंजन को तो आप देखते ही चले आ रहे हैं, उसका इंजन कुछ इस टाइप का। तो पुराने वाले से ये प्रूफ भी हो गया, जैसा कि कंपनी का क्लेम था इसमें वाइब्रेशन काफी कम है, वो आज मुझे इस वीडियो में प्रूफ भी हो गया। और आई होप आप लोगों को भी लगा होगा कि ये कम वाइब्रेशन इसमें है। अगर आपके पास ये बाइक है तो आप बताइएगा कमेंट में कि कैसे इसमें कैसा वाइब्रेशन है। बाकी लाइव तो आप लोगों ने देख ही लिया कि इसमें काफी कम वाइब्रेशन फील होते हैं, और रियल लाइफ में चेक करने के बाद भी आपको आपने देख भी लिया कि इसमें वाइब्रेशन काफी कम है भाई। कोई भी ग्लास हिला नहीं, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये ग्लास टेढ़ा भी है, टैंक का कर्व भी थोड़ा सा है, तो ये ग्लास टेढ़ा भी, लेकिन ये भी नहीं गिर रहा है और उसके फुल आरपीएम तक। तो ये रही कुछ ये छोटी सी वीडियो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।